शुक्रवार की रात जरीपटका के प्रदीप मोतीराम रमानी नामक व्यक्ति की किडनैपिंग का मामला जरीपटका पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार की रात जरीपटका के प्रदीप मोतीराम रामानी नामक व्यक्ति के किडनैपिंग का मामला जरीपटका पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को धर दबोचा। आपको बता दें कि पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात्रीपासून मिसिंग आहे आणि त्यांचे फॅमिली मेंबर्सला एक कॉल आला होता रॅन्सनसाठी आणि 30 लाख रुपयाची डिमांड होती, नाहीतर ते त्यांचे लाश आम्ही घरी पाठवणार अशा प्रकारची कॉल आला होता। आणि ते इन्फॉर्मेशन पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर लगेच सर्व यंत्रणा कामावर लागलेली आहे आणि आरोपी निष्पन्न झालेली आहे। आरोपीला ताब्यात घेण्याची प्रयत्न सुरू आहे आणि ऑलरेडी आरोपीचे मागचे 2-3 तासापासून आमचे पोलीस पथक लागला होता। आता जे विक्टीम आहे ते सुखरूप परत आलेली आहे आणि आता पुढील तपास सुरू आहे। यामध्ये किडनॅपिंग फॉर रॅन्सम आणि एक्स्टॉर्शन विथ द थ्रेट फॉर मर्डर अशा प्रकारचे वेगवेगळे कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेली आहे। ते आत्ता आरोपी ताब्यात आलेली नाही, परंतु कोणकोण आरोपी निष्पन्न आहे त्याची आणि कोणाचे सहभाग असू शकते अशा काही महिला आणि पुरुष हे आमचे निर्देशनास आले होते आणि पुलिस त्याचे मागे लागला होता। एका आरोपीला विचारपूस पण सुरू होती, त्या सर्व असताना यांना त्याचे नंतर यांना आरोपीने सोडला असा प्रथमदर्शनी दिसून येते। 30 लाख रुपये आपण द्या, अन्यथा आपले हजबंडला आम्ही त्यांचे लाश आम्ही घरी पाठवणार अशा प्रकारचे कॉल होते। आज सवेरे हमें इसी की मोबाइल से याने जो अपहरत हुआ हमारा भतीजा प्रदीप मोतीरामानी उसके मोबाइल से फ़ोन आया। किडनेपर ने हमसे डिमांड रखी कि 30 लाख रुपए हमें दिए जाए 12 बजे के पहले और मैं 12 बजे के पहले आपको फ़ोन करूँगा। हमने हमारे घर के लेडीज़ से ही उनसे बात कराई ताकि हमारा जेंट्स का भी उन्हें डर लग सकता, इसलिए हमने लेडीज़ से ही बात कराई और लेडीज़ से बड़े इत्मीनान से उन्होंने बात की और कहा, हमने ये भी कहा उन्हें लेडीज़ ने कि हमें प्रदीप से बात कराइए ताकि हमें भी तो पता पड़े कि वो प्रदीप आपके पास है कि नहीं है। मगर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और साफ कहा कि अगर आपको बात करनी है प्रदीप से तो आपको मैं लाश भेज देता हूँ, इसकी आप कर लेना उससे बात। तो पूरा घर, हम पूरे परिवार, मित्रगण सब टेंशन में आ गए। आखिर हम दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण 12 बजे तक का इंतज़ार करना ही, और वो खुद भी जो आरोपी था उसने खुद भी हमें कहा कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है, मेरे को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो तुरंत मैंने जरीपटका पुलिस स्टेशन PI बाकल साहब को फ़ोन किया और तुरंत वो घर पे थे उस वक्त, मगर 15 मिनट के अंदर वो थाने आ गए और वो 15 मिनट भी न गवाते हुए उन्होंने मेरे से नंबर लिया और नंबर लेके सीधा सर्विलेंस पर डाल के इमीडिएट उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। और आज उसका परिणाम ये हुआ कि 4 में से 2 आरोपी अभी पकड़े जा चुके हैं और हमारा जो भतीजा है जो अपहृत हुआ था वो सुखरूप वापस आया। इसलिए हम नागपुर पुलिस, विशेष करके जरीपटका पुलिस स्टेशन, मैं हृदय से आभारी हूँ उनका, पूरी टीम का, जिसमें हमारे नागपुर के CP कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर अमितेश कुमार और जॉइंट CP दोरजे मैडम और नवीन चंद्र जी रेड्डी, चिन्मय पंडित जी और आवाड़ साहब और दूसरे जितने भी है ACP DCP सब पूरे, मैं सबेरे से यहाँ से हिला नहीं हूँ, मगर देख रहा था कि एक पुलिस ने कितनी तन्मयता से और कितने डिवोशन से काम किया, उसका मैं नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत के तरफ से, पूरे समाज के तरफ से उनका हृदय से आभारी हूँ। नागपुर पुलिस का हम उनको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। गौरतलब रहे कि प्रदीप रामानी जरीपटका के महात्मा गांधी हिंदी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे और आरोपियों ने उनसे बदले में 30 लाख की फिरौती की मांग की थी। फिलहाल ये मामला आपसी रंजिश का है या फिर किसी पारिवारिक विवाद का, ये तो इस मामले का खुलासा होने के बाद ही पता चल पाएगा। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।